वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपल्टी में, जलपल्ली लिमिट में, पहाड़ी शरीफ लिमिट में एक वाकया पेश आया। एक अफवाह फैल रही थी कि बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन वो ज़रा सा गलत बात है। वो बच्ची के साथ खाली हरासमेंट किया गया, वह उसके बाद वो बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करी। वहाँ के मुकामी लोकल लोग जाके वहाँ पर बच्ची को बचा लिए। फिर उसके बाद बच्ची यहाँ पहाड़ी शरीफ पीएस को आकर कंप्लेंट करी। फिर हमारे यहाँ पर आने के बाद सर्कल से यहाँ के बात किए। बात करने के बाद वो सर्कल ने इमीडिएटली एक्शन लेके वो आदमी को, जो भी वो दलिंदर था, उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर पॉस को ऐड भी लगा दिया। ये नकबी मिल्लत हलाज बैरिस्टर सुद्दीन साहब की हिदायत पर हम आए थे यहाँ पर, आकर यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ की तहकीक करें। उसके बाद मालूम हुआ कि हमको ऐसा हुआ, हरासमेंट किया गया बच्चे के साथ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पीएस में आए। आने के बाद ये बच्ची के ख़िलाफ़ FIR, जो भी वो दलिंदर हरामी जलील आदमी जो भी करने की कोशिश करा, 40 साल का है, 16 साल की कमसीन बच्ची के साथ हरासमेंट कर रहा था पिछले एक हफ्ते से। वो बच्ची फिर वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह लोकल के लोगों ने जाकर वहाँ पर बच्ची को बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर FIR भी होगी, पास को एक्ट लग गया, नॉन अवेलेबल वारंट है, वो नॉन अवेलेबल एक्ट है, वो उसमें भी बेल जल्दी नहीं मिलती। हम पुलिस को ये भी मुतालबा करें कि सख्त से सख्त एक्शन ले, ऐसा वाकया फिर ना हो बोलकर पेट्रोलिंग बढ़ाने की कोशिश करो बोले। और जितना एरिया जो डार्क साइड एरिया है वहाँ पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाकर अपने वहाँ पर वो पेट्रोलिंग करें, ऐसे वाकया ना होने के लिए। थैंक यू। हाँ, उसको अभी इमीडिएटली अरेस्ट कर लिए। उनकी 40 एज है, वो किराना स्टोर में काम, वो हिंदू वाला बच्चा है, वो हिंदू आदमी, नाम अभी नहीं मालूम। अब इसको अरेस्ट कर लिए, पासपोर्ट भी लगा दिए उसको। थैंक यू।